नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वत्स सुवाच पर। गुरु 5 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं और इस बार गुरु साल के अंत तक धनिष्ठा में ही रहेंगे। जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट किसी नक्षत्र में बहुत दिनों तक रहता है तो उसका उतना ही लंबा प्रभाव भी दिखता है। और गुरु के धनिष्ठा के इस प्रवास पे पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये नक्षत्र लेवल में हम जाकर आज के इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा, जिनके लिए ये अच्छा नहीं है उनके लिए मैं रेमेडीज भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को प्लीज दबा लीजिए। फ्रेंड्स, धनिष्ठा का मतलब धन प्लस इष्ट, इष्ट धन की प्राप्ति। आप जिस धन को प्राप्ति करने की सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, ये वो धन दिलाने वाला नक्षत्र है। और जब हम धन की बात करते हैं तो यहां सिर्फ रुपया पैसा या सोना चांदी वाला धन नहीं, बल्कि यहां आध्यात्मिकता वाला धन भी इंक्लूडेड है। हिंदू धर्म में हम लोग अष्ट लक्ष्मी की बात करते हैं तो उसमें धान्य लक्ष्मी तो होती ही है, साथ में विद्या लक्ष्मी भी होती है, गज लक्ष्मी होती है, विजय लक्ष्मी होती है। सो सभी तरह के लक्ष्मियों की प्राप्ति धनिष्ठ का मतलब ये होता है। धनिष्ठ मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठ दो राशियों में बटा हुआ है। धनिष्ठ नक्षत्र का आधा भाग मकर राशि में आता है और आधा भाग कुंभ राशि में आता है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मंगल का नक्षत्र है तो मंगल का तो प्रभाव इस पर रहता ही है, साथ ही शनि का भी प्रभाव रहता है इस पर। धनिष्ठ नक्षत्र जो है फ्रेंड्स, वो मंगल के एनर्जी का कल्मिनेशन पॉइंट है, हाईएस्ट डिग्री है, क्योंकि मंगल के जो तीन नक्षत्र हैं उसमें ये लास्ट वाला नक्षत्र है। सबसे पहले आता है मृगशिरा, फिर है चित्रा और लास्ट में आता है धनिष्ठा। धनिष्ठ का जो सिंबल है वो है ड्रम, डमरू, मृदंग या फिर बांसुरी। अब देखिए, ये दोनों दो अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ड्रम जब भी बजता है तब वो हमारे उत्साह को, हमारे ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। आप देखते होंगे पहले भी और आज भी, जब युद्ध के मैदान में सैनिक जाते हैं तो नगाड़ा बजाकर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। वैसे भी देखते होंगे ड्रम के बीट्स पर हम लोग थिरकने लगते हैं, किसी भी खुशी के मौके पर ढोल बजता है। लेकिन दूसरे तरफ बांसुरी का जो म्यूजिक है वह एक मोहने वाला म्यूजिक होता है, मोहिनी शक्ति होती है उसमें, उसमें आध्यात्मिकता होता है, वह हम लोगों को लीन कर देता है। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मंगल का जो यह नक्षत्र है इसमें दोनों प्रकार का धन मिलता है, जिसमें आध्यात्मिकता भी होती है, तो उसमें उस समय कहने का मतलब यही था। मैंने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में देखा है कि धनिष्ठा नक्षत्र जिनके भी कुंडलियों में प्रोमिनेंट होता है उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स वगैरह में जरूर होता है, और स्पोर्ट्स में भी जिम्नास्टिक्स में, और या तो फिर धनिष्ठा वाले म्यूजिक में जरूर इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के कुंडली में भी धनिष्ठा नक्षत्र प्रोमिनेंट दिखता है। अब इसका भी आप सिंबॉलिक अर्थ समझ सकते हैं, म्यूजिक या जिम्नास्टिक्स दोनों में रिदम चाहिए, और जब ये रिदम होता है तब जाकर आप अच्छे जिम्नास्ट बनते हैं। यदि रिदम नहीं होता है तो फिर वो म्यूजिक नहीं, नॉइज रह जाता है। सो धनिष्ठा का मैसेज बहुत क्लियर है, आप अपने इर्द गिर्द के एनर्जी के साथ रिदम में रहिए तो आप रिच बन सकते हैं, आप फॉर्चुनेट बन सकते हैं, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
अब गुरु जब धनिष्ठा में रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे? देखिए, गुरु अभी धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, और मंगल खुद कहाँ है? अभी राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं, और वहां से राहु की दृष्टि है यहां पे गुरु पे, तो ये एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बन रहा है। यह युद्ध का बिगुल फूंकने वाला कॉम्बिनेशन है, और इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही दो सेनाएं आपस में भिड़ जाएंगी। आजकल युद्ध कई तरीके से लड़े जाते हैं, लेकिन युद्ध जैसा माहौल रहेगा। बृहस्पति चूंकि मकर राशि में नीच के रहते हैं और इन पर मंगल और राहु का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, गुरु धर्मांधता भी देते हैं, रायट्स की संभावना इस समय में बढ़ेंगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है वो है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री पर, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। धनिष्ठा म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, मंगल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद होगा मैंने गुरु एवं शनि वाले वीडियो में कहा था कि गुरु एवं शनि के मकर राशि में साथ आने से जो लोग भी अपने कर्म धर्म के अनुसार करेंगे उन लोगों को शनि एवं गुरु पनिश नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अपने कर्म, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जो लोग भी अनफेयर प्रैक्टिसेस का सहारा ले रहे हैं, जो लोग भी शॉर्टकट्स मार रहे हैं, जिन लोग भी गरीब एवं आम आदमी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को ये पनिश करेगा। उन्हीं पुराने वीडियोस में मैंने ये भी कहा था कि गुरु एवं शनि के साथ आने से स्कैंडल्स बाहर आएंगे। आप देख रहे हैं जगह जगह पर स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल का माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है। और जब गुरु धनिष्ठा में एक्शन के नक्षत्र में आ रहे हैं, एनर्जी के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो आप देखिएगा फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कैंडल्स बाहर आएंगे। हो सकता है कोर्ट्स का कोई जजमेंट आए इनके खिलाफ, हो सकता है गवर्नमेंट कोई नया नियम लेकर आए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई स्कैंडल बाहर निकल कर आए। और आप देखिएगा पिछले एक दिन से ऐसा न्यूज आ भी रहा है। आपने सुना होगा वो अनुराग कश्यप और वो क्या पन्नू है, उन लोगों का अभी कुछ बड़ा स्कैंडल बाहर आया है, उनके यहाँ रेड्स पड़े हैं, पूछताछ चल रही है। सो ऐसी चीजें अब बढ़ेंगी, और गुरु इस बार बहुत लंबे समय तक धनिष्ठा में है, इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बताना भूल गया, मई तक गुरु धनिष्ठा में है, फिर मई से जुलाई के फर्स्ट वीक तक गुरु शतभिका नक्षत्र में चले जाएंगे, और उसके बाद जब वो वक्री होंगे तो वापस से वो धनिष्ठा में आएंगे और जनवरी 2022 तक रहेंगे। सो ये बहुत लंबा समय है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? गुरु जब उत्तराषाढ़ में आए थे तो मैंने नक्षत्र लेवल पर आप लोगों को विश्लेषण करके बताया था, आज भी मैं वही करने वाला हूं। आप लोगों को पता होगा 9 ग्रह हैं और 9 तारा भी हैं। हर ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया है, यानी कि नक्षत्रों को भी हम 9 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के तीनों नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा एवं चित्रा, ये तीनों जन्म तारा में होंगे। तो मंगल के तीनों नक्षत्र में आपके कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं या चंद्रमा है तो आपके लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। इमोशनल लेवल पर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये समय एनर्जी लेवल के लिए, काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मंगल के बाद विमशोत्री में राहु का जगह आता है। राहु के जो तीनों नक्षत्र हैं वो संपत तारा में आएंगे। राहु के तीनों नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिका। संपत यानी कि संपत्ति की प्राप्ति होगी आपके लिए, इनकम के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। सो इस समय का पूरा फायदा लीजिए, अपॉर्चुनिटीज आपको खूब मिलेंगे पैसे कमाने के इस समय में। राहु के बाद गुरु का नंबर आता है विमशोत्री में। गुरु के तीनों नक्षत्र विपत तारा में आएंगे। गुरु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु,
विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, विपत्तियों का समय है। आपके लिए अच्छा न्यूज अभी नहीं रहेगा। आप पर तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। मेहनत ज्यादा करेंगे, रिजल्ट्स कम मिलेगा। इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए। गुरु के बाद विंशोत्तरी में शनि का स्थान आता है, तो शनि के जो तीनों नक्षत्र हैं वो क्षेम तारा में आएंगे। और क्षेम तारा क्या होता है, हम लोग पूछते हैं कुशल क्षेम कैसा है, तो अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपके लिए होगी इस समय में। एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ रहेगा, हर तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो शनि के जो भी तीनों नक्षत्र हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। शनि के बाद बुध का समय आता है विंशोत्तरी में, और बुध के तीन कौन कौन से नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आप लोगों के लिए ये प्रत्यारी यानी कि प्रत्यक तारा ऑब्स्ट्रक्शन का समय है, कंपटीशन का समय है। आपके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े होंगे, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशंस होंगे। सो बहुत अच्छा समय आपके लिए भी नहीं कहा जा सकता है, आपको भी थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। केतु के जो तीनों नक्षत्र हैं अश्विनी, मग्घा और मूल, इनके लिए ये साधक तारा होगा। साधक का मतलब आपने जो भी साधना की है, जिस चीज के लिए भी आप काम कर रहे थे, वो आपका इस समय में पूरा होगा। अचीवमेंट्स का टाइम है, गोल्स को अचीव करने का टाइम है, फुलफिलमेंट का टाइम है। केतु के बाद शुक्र के तीनों नक्षत्र आते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। आपके लिए ये नैधन्य तारा है, इसको वध तारा भी कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिल सकता है। वैसे भी खास करके जो पूर्वाषाढ़ वाले हैं, आप धनिष्ठा से यदि कैलकुलेट करके देखेंगे तो पूर्वाषाढ़ 25वां नक्षत्र होता है, और 25वां नक्षत्र जो भी होता है वो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, इसको मानस नक्षत्र कहते हैं। तो ओवरऑल शुक्र के तीनों नक्षत्र और खास करके पूर्वाषाढ़ वालों को इस समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने जैसा कहा मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, झगड़े वाले जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरी पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। शुक्र के बाद सूर्य का नंबर है, सूर्य के जो भी तीनों नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, आपके लिए ये मित्र तारा है। मित्र का मतलब ही होता है इस समय आपको चारों तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा, माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, और कोऑपरेशन के वजह से, माहौल अच्छा रहने के वजह से आपके काम बनेंगे। सो एंजॉय करने का टाइम है आपके लिए, ये एक लंबा पीरियड आपको गुरु दे रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए इस पीरियड को। लास्ट में चंद्रमा, चंद्रमा के जो भी तीनों नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण, आपके लिए ये अति मित्र तारा में ये ट्रांजिट है। अति मित्र का मतलब ही मित्र में यदि सूर्य के लिए अच्छा है तो आपके लिए तो अति मित्र बल्ले बल्ले है आपकी, बहुत बेहतर टाइम रहेगा। अपने नेटवर्क का पूरा आपको फायदा मिलेगा, इर्द गिर्द के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिस चीज में भी हाथ डालेंगे उस वो चीज आपका कंप्लीट होगा। एक्सेलेंट टाइम है, इसका पूरा लाभ लीजिए। जिन लोगों के लिए समय मैंने खराब कहा उनको क्या करना चाहिए, रेमेडीज क्या है, इस नक्षत्र का बीज मंत्र है ओम यम या ओम राम। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप एक माला रोज करते रहिए तो इस नक्षत्र में गुरु का जो ट्रांजिट है आपको बुरा फल नहीं देगा। चूंकि शनि और मंगल दोनों इन्वॉल्व हैं धनिष्ठा में, इसलिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। गुरु को ठीक करना है तो आप भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकते हैं। यदि इन चीजों को करेंगे तो ये जो समय है आपका अच्छे तरीके से कट जाएगा, कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो ये विश्लेषण है वो अच्छा लगा होगा।
आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करके इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।